और ये यहाँ छोटी सी बेबी रो रही है। नो मैं नहीं, ये औरत आ नहीं रही है व्लॉग में, पता नहीं क्यों नहीं। आप लोग का ये है कि आप लोग खा नहीं सकते, सिर्फ देख के एंजॉय कर सकते हैं। विदाउट फिल्टर बना, ये फिल्टर नहीं है। और नानी बताएंगी कि कैसी बनी है। वेलकम बैक टू आर न्यू ईयर। और आज है फ्राइडे, आप सभी को हम लोग की तरफ से जुम्मा मुबारक। और अब मैंने मतलब अपना उठने के बाद की रूटीन में आप लोगों को दिखाऊंगी। सो अभी जो मेरे छोटे मोटे काम है उठने के बाद के हम लोग वो करेंगे। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ गाइस। आज हमारा बन रहा है कीमा मटर और यहाँ चावल। ये बच्ची रेस्टिंग करेगी अभी, और बिरयानी को मसाला लगा दिया, ये लग गया है। और हमने अभी नाश्ता करा है किस चीज़ का, आलू गोश्त का सालन। किचन थोड़ा फैला हुआ हो रहा है। हाँ, पराठा, अंडा और मक्खन, पापे और चाय। हमारे किचन की सफाई होगी, ठीक है ना। तो अभी मेड आई हुई है, आज की के फ्राइडे है, तो इसलिए हमारे किचन की सफाई आज वो करेंगी। और खाना वाना मतलब आधा आधा रेडी कर लिया है, और मैं बनाने वाली हूँ आज पास्ता। बारी है मेरी पौधों में पानी डालने की, सो मैं पौधों में पानी डालती हूँ, क्योंकि अम्मी ने कर रखी है हमारी बारियाँ सेट, जिसमें एक हफ्ते मैं पौधों में पानी डालूंगी तो नबिया डस्टिंग करेगी, मैं एक हफ्ते डस्टिंग करूँगी तो नबिया डालेगी पौधों में पानी। तो इस हफ्ते है मेरी बारी पौधों में पानी डालने की, सो पौधों में इसमें पानी डालते हैं। सो क्योंकि आज मैं जब बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी, अम्मी अपना खाना बनाएंगी और मैं मैक्रोनी बनाऊंगी, क्योंकि मैक्रोनी मुझे भी पसंद है और मेरे घर में भी सभी को, और काफ़ी लोगों को पसंद होती है मैक्रोनी, क्योंकि मज़े की होती है यार ये। तो हम बनाते हैं मैक्रोनी। ये औरत आ नहीं रही है व्लॉग में, पता नहीं क्यों नहीं, वैसे तो मैं मिरर से नज़र आ रही हूँ। सो यहाँ मैं चावल लेकर आ चुकी हूँ, अब हम पढ़ेंगे नमाज, उसके बाद शाम के लिए हमने सोचा है मैक्रोनी की तैयारी करें, तो फिर हम करेंगे मैक्रोनी की तैयारी इसके बाद। और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ब्लॉग ना नबिया रिकॉर्ड कर लें, पर इतनी सोचते ना ये नहीं करती रिकॉर्ड, लाइक इसे पता नहीं कौन से जहान की शर्म आती है। आई कैंट इवन थिंक अबाउट इट, ठीक है। और मौसम लाइक सन किस, और यार रिकॉर्ड कर लो थोड़ा ब्लॉग सुन भी नहीं। सफाई वगैरह भी हो चुकी है घर की, और ये लड़की कह रही मुझे भी तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और नमाज के बाद मतलब मेरी एक आदत समझ ली, और पढ़ना भी चाहिए, लाइक कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं हर नमाज के बाद, पांचवी नमाज के बाद। तो मैंने पढ़ी है सूरह मुज़म्मिल। वैसे तो जुम्मे के दिन आप लोगों को ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह कहफ़ पढ़नी चाहिए, बट मैंने दोनों ही पढ़ लिए। और सूरह मुज़म्मिल वैसे नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं हर ज़ोहर की नमाज़ के बाद, और भी होती है तो फिर मैं वैसे ही वैसे बता जाऊँगी। और यहाँ हमारी गुंजी बेबी भी उठ गई है यार, मेरी दोस्ती भी हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप पहले ब्लॉग में कितना रो रही थी। क्या वो मुझे जानती है? और यहाँ मन्नू भी रेडी हो चुकी है, बस ये रेडी होंगी अब। कितना रो रही थी ये शुरू में, मुझे पता था ये सेट हो जाएगी। ओ नो नो मम्मी नहीं, हेलो बिल्कुल सेट हो गई है हया बेबी, छुपाली सी बेबी, छुपाली सी बेबी, बिल्कुल नहीं रहती है। मैं टकली पे हाथ नहीं लगाओ, टकली टकली बच्ची है, टकली टकली बच्ची है। क्लैपिंग करो, सबसे फेवरेट काम क्लैपिंग करना है आपकी। क्यों बोल दी है बालिशी, इतना क्यों तू बेबी है, माशाल्लाह बोल दी से बालिशी बेबी को देख के। यहाँ मना ही भी आइडिया चीजें प्यारी प्यारी सी, बाल नहीं बने बस मना लिखे तो डरिएगा मत देख के उस तरह। तो अभी थोड़ी देर में आधे घंटे बाद ऐसा की आसान हो जाएगी, तो फिर हम नमाज वगैरह पढ़ के फिर मैं जाऊँगी अपना सही से। नहीं हया जरा सी देर ना देखो तो फोन सब कुछ मुँह में है, फोन सब कुछ मुँह में। तो फिर असर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना मुँह वगैरह सेट करूँगी, फिर हम बनाएंगे मैक्रोनी।
चलो जाओ तैयार हो जाओ। ओए 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 किन्ना ने ओए तो बेबी भी आ गए। इतो हाय बोलो हाय। इमान आप भी हाय बोलो। सो जहर की नमाज के बाद हमने सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली थी और सूरह कहफ तो जुम्मे के दिन मस्त हुई है और फिर उसके बाद असर की नमाज के बाद आप सूरह नबा पढ़ सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ माई रूटीन सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आप लोग साथ ही शेयर करूँ, तो आप लोग भी अपनी नॉर्मल रूटीन में ये कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ बता रहे हैं कोई अच्छी बात आप लोग तक के पहुँचे तो ये इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और अब चलते हैं हम मैक्रोनी बनाने क्योंकि अब काफ़ी भूख लग रही है। लेट्स गो। सो हम आ चुके हैं आप किचन में और अभी बना रही हैं पकोड़े, है ना, शाम का नाश्ता। हाँ शाम का नाश्ता पॉपकॉर्न पकोड़े। पॉपकॉर्न पकोड़े तो मैक्रोनी बनाना ज़रूरी है। और ये चाय और मैक्रोनी में रेडी करके गई थी लाइक से बॉयल कर करी और इसकी वेजिटेबल्स अभी तक नहीं काटी हैं। क्या कर रहे हो? खेलो तो फिर सब मैक्रोनी की मंतजर हैं तो हम मैक्रोनी बनाते हैं। यहाँ हमने अपनी वेजिटेबल्स रेडी कर ली हैं और जो भी सॉस वगैरह हमें डालना है ये इतना सारा डालूंगी नहीं ताकि इनमें से जो जो समझ आएगा वो डालेंगे हम। वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई हैं और बनाते हैं। यहाँ अम्मी ने पकोड़े भी बना लिए। अम्मी मेरे तो यहाँ मेरे लिए भी हैं, मतलब सही है, ये भी काफ़ी हैं मेरे लिए। चटनी हमने पहले ही बना ली थी, चाय भी देख लेंगे कोई हमारे लिए तो हम पी लेंगे। ऊपर बाकी मेरी खाला आई हुई हैं दूसरी वाली और ये सारे बच्चों ने गंद कर चुके हैं और यहाँ नानी भी आई हुई हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 6:10। तो फिर ये है शाम के चाय पानी का नाश्ते का टाइम, सॉरी, तब हम ये बनाते हैं। सॉसेज यहाँ हमने ज़्यादा इसलिए ले लिए हैं ताकि जब भी मुझे मतलब जो भी जिस चीज़ की मतलब होना ज़रूरत तो वो सामने ही मिले, डालने सारे नहीं है बट सामने ही मिले मुझे, मतलब बार बार कैबिनेट्स में हाथ ना मारना पड़े, सो इट विल बी इजी फॉर मी। आधे से ज़्यादा चीज़ें डाल चुके हैं और अब इससे ये थोड़ा मैं क्रीम गर्म करूँ क्योंकि मैंने सोचा क्रीम डालूँ ना तो थोड़ा मज़े का लगता है, टेस्ट आता है। सो ये ऐसे इसमें येलो येलो आ रही है, समझ नहीं आ रहा, पर रियल में बड़ी प्यारी लग रही है ये, सच्ची 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 सच्ची। तो अगले में आप लोगों ने देख लिया तो होगा कि हमारी मैक्रोनी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है और ये आ गई जिससे खाने वाले होते हैं, जिससे खाने के लिए आते हैं शादी में ऐसे लोग, उन्हीं लोगों की तरह ये आ गई है कि किचन में, ये सिर्फ खाएगी। दिस इज बिजनेस। अभी ये समेटेगी और फिर मैं ये सर्व करूँगी। नानी पहली बार खाएंगी मेरे हाथ की मैक्रोनी और बाकी वैसे तो घर में तो खाती रहती है और आलिया नहीं पहली बार खाएंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे अब्बू को मैक्रोनी क्योंकि वो ज़्यादा इंतजार हो ही कर रहे थे और यहाँ बच्चे भी करते हैं, सबसे पहले अब्बू को देंगे। इन्नी मुन्नी कहाँ खेला बेबी। तो हमने अभी अब्बू को मैक्रोनी दे दी और अब्बू रिव्यू देंगे, वैसे अब्बू को हर बार ही पसंद आती है। हाँ जी मैक्रोनी आ गई है, बहुत खाई है, बहुत टेस्टी माशाल्लाह से। वेजिटेबल्स ज़्यादा ज़्यादा रखते हैं हम लोग क्योंकि अब्बू को वेजिटेबल्स वाली ही पसंद होती है ज़्यादा। बहुत पसंद है वेजिटेबल्स। वेरी गुड, कीप इट अप, अच्छे अच्छे खाने बनाए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ मैक्रोनी और नानी बताएंगी कि कैसी बनी है सब्जियों। सच्ची 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 ऑनेस्ट रिव्यू देना बिल्कुल। तो नानी को पसंद आई। मेरा अरे हमने मेड रखी हुई है फ्री हायर करके। हाँ वही तो कह रही हूँ, पहली बार हाँ वही तो कह रही हूँ, पहली बार टेस्ट कर रही हूँ।
ये इनके नसीब में थे, ये बिल्कुल अभी अभी आए हैं, लाइक अभी 1:30 बजे, और इनके मुझे इससे ही रखी हुई थी, तो इसलिए अभी खा रहे हैं। यहाँ नानी को भी पसंद आ रही है, और यही बना रही हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगा फिर आप देखना। और फिर क्या करेंगी, लाइक और सब्सक्राइब। नानी हर बार आके सब्सक्राइब कर देती तो अनसब्सक्राइब हो जाता। सब्सक्राइब एक बार होता है, लाइक और कमेंट बार बार होता है। हाँ तो सुन हो जाती है कैमरा आते साथ ही सामने। और ये भी रेडी हो गई है हमारा कंजू, टकली टकली रेडी हो गई है। और ये भी रेडी हो गई हैं इनकी अम्मी जी, जो कब से रेडी हो रही थी। नहीं गोद में नहीं लेंगे हम आपको, तो अब मेरे लिए तो शायद पकौड़े खत्म हो गए। तो ये मेरी खालत भी रेडी हो चुकी है, और टकला भी रेडी है। टिकले छा कर ना होगा हमने इसका। तो और ये भी रेडी हो गई है। तो हाँ, इन्होंने भी मेरे हाथ की मैक्रोनी पहली बार खाई है। ये इत्तेफाक हुआ कि आज सब थे, गेट टुगेदर हुए हुए थे, तो मैंने बना ली मैक्रोनी, वरना मैंने बना। तो आपको कैसी लगी मेरी मैक्रोनी? बहुत मजे की। और यकीन नहीं आ रहा इतनी छोटी सी बच्ची ने बनाई है, मेरी चुन्नी सी होती थी, चुन्नी सी ऐसी चुन्नी बड़ी हो गई माशाल्लाह। बहुत मजे की थी, बहुत मजे की, सो यम्मी 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 नाइस। और आगे फिल्टर नहीं लगाते हम लोग, विदाउट फिल्टर बनाते हैं ना, ये तो फायदा विदाउट फिल्टर बनाने। ये फिल्टर नहीं है, फिल्टर के बगैर ये लम ऐसी थी प्यारी लगती थी। मिरेकल मिरेकल, ये तो कैमरा अच्छा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि फिल्टर वगैरह कुछ भी लगाए। देखो ना इसको, देखो गंजी को कितनी पॉलिश आ रही है। वाह 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 वाह। अभी हमने मेहंदी लगाई है इनके, और भी बहुत शोर आया, तो हम जरा खा पी लें। अभी ऐसे नहीं दिखाओ ना, ऐसे नहीं दिखा दीजिए। अभी हम पहले खा पी लें सुकून से, फिर हम जाके फिर दिखाएंगे आप लोगों को थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो यहाँ ये जो मैंने मेहंदी लगाई थी अपनी खाला के, ये वाली भी मैंने लगाई थी, और ये वाली भी। और आपको कैसी लगी थी? नाइस, बहुत प्यारी है। तेरे पसंद आई थी। आप हम लगाएंगे इनके पैरों पे मेहंदी। सो गाइस फाइनली हम मेहंदी लगा चुके हैं, और गाइस और मेहंदी लगाने के बाद हाथों की हालत ऐसी ही होती है, सो प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है ना? और ये हमने इनके पाँव पर मेहंदी लगा चुके हैं, और इनसे पूछते हैं आपको कैसी लगी। तो आज जाएंगे तो हमने इनके दोनों हाथ ही पड़ दिए, और दोनों पैर पड़े, तो आपको जाना मतलब चलिए जी। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? यस बिल्कुल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी प्यारी सी भांजी के चैनल को सपोर्ट करें, और ढेर सारा प्यार करें। सिद्धार सी मटन बिरयानी ना, मम्मी मटन बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो मुँह में पानी आ रहा है देख कर ही। खैर मैं तो यही है कि पानी है खाला की फरमाइश पे। क्या इनका कहना था कि चिकन खा ली है, मुझे गोश्त की भी खानी है, फिर हमने वापस बना लिया। और वैसे बिरयानी के लिए मना करता कौन है। और यहाँ हमारा क्या मटर कीमा भी रेडी है, काफ़ी वैरायटीज बनाई मेरी प्यारी सी अम्मी ने। और यहाँ गाजर का हलवा भी रेडी है, ये रेडी है ना? बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी। टन टनाटन, टन टनाटन सब रेडी है, और ये दस्तरखान लगने की तैयारी हो रही है। फिर मेरा तो ये सीन है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं ये खा लूँगी। आप लोग का ये है कि आप लोग खा नहीं सकते, आप सिर्फ देख के इंजॉय कर सकते हैं। जस्ट वॉन्ट टू शो यू ऑल माई आउटफिट ऑफ द डे। सो एज यू कैन सी दैट्स माई आउटफिट ऑफ द डे, जो मैंने फ्राइडे की वेट करा था, और समझ लें कई सौ दावत भी थी, ये भी खा लूँ आएंगे, वो खाला को लेकर जाएंगे। जैसे काफ़ी अच्छा वक्त रहा, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं एक और ब्लॉग शूट कर लूँगी, साथ रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बार बार, वो आती भी नहीं है, वो कहीं महीनों में आती है तभी। और ये हमारा फ्राइडे का ब्लॉग था, तभी खैर मैं तैयार तो हर फ्राइडे को ही होती हूँ, ऐसी बात नहीं है, तैयार हम हर फ्राइडे को होते हैं, बट आज का थोड़ा स्पेशल इसलिए था क्योंकि आज खा लाएंगी थी, आज दावत है उनकी, फिर वो जाएंगी। और फिर अभी खाना लग चुका है, अब हम जाते हैं खाना खाते हैं, बगैर
हम ज़्यादा बातें करें क्योंकि एनर्जी लेवल बिल्कुल मेरा तो डाउन हो चुका है। तो अब हम जाएंगे खाना खाने, मज़ेदार सी मटन बिरयानी खाने जाएंगे अब हम। तो फिर आपसे मिलते हैं अपने जाने के लिए। और ये यहाँ छोटी सी बेबी रो रही है। नो मैं नहीं, मैं नहीं, चुन्नी मुन्नी से नहीं लेते हैं। रिएक्शन तो बनता है क्योंकि ये बीच नींद में से उठ चुकी है। जब नींद खराब होती है तो ऐसा ही रिएक्शन होता है। आई थिंक गाइस दैट्स मच इनफ फॉर द डे। सो हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आलियानी भी जा चुकी हैं एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग आलियानी, वी गोना मिस यू सो मच। लाइक हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा और हया को तो सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मैं। सो हम इस व्लॉग को अब यहीं एंड करेंगे। फिर उम्मीद है आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, याद से सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, मैंने एंड में यहाँ याद दिला दी है। ठीक है, और फिर अगले और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो अगर ये आपको ब्लॉग पसंद आया तो बताए आप लोगों को क्या करना है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।